हाँ नहीं, लेकिन क्या करूँ, बच्चे के लिए बाप हूँ तो मैं मजबूर हूँ। और डॉक्टर ने भी कहा था ना कि उसको जोर मत देना करके। और क्या है, 2012 का चित्रपट मैं उसे नहीं दिखा सकता। उसे चित्रपट नहीं, उसको पिक्चर देखनी थी। तो दोनों एक ही चीज है, चित्रपट पिक्चर। तो जो भी है वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ। है ना, और वो थिएटर भी खरीद नहीं सकता हूँ, इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। क्यों नहीं खरीद सकते भाई साहब? जया हमारी बेटी है, हम उसके लिए कभी भी कुछ भी खरीद नहीं सकते। खरीदते, अगर हमारे पास पैसे होते तो आज थिएटर खरीदते और उसमें एक शो रखकर जया को दिखा भी देते। लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास, यही कहना चाहती हो ना तुम? हाँ, कुछ यूं ही कहना चाहती। हम समझ गए कि आप क्या कहना चाहती थी, लेकिन आप भी समझिए ना कि अगर चलिए हम अमीर होते भी, हम थिएटर खरीद भी लेते, भाभी को उसमें पिक्चर दिखा भी देते, लेकिन थिएटर जाने से क्या होता? क्या होता? कि क्या का क्या होता माँ? अरे 5-6 सालों में कितनी चीजें बदल गई हैं। भाभी को थिएटर जाते जाते कहीं ना कहीं पता चल ही जाता कि ये 2012 नहीं 2018 है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ऐसे ये सुधाकर भैया भी ना बोल के गए थे कि आधे घंटे में वापस आता हूँ, 1 घंटा हो गया अब तक आए नहीं। विदुरा, कुकुका, खवास तो? नहीं नहीं, तुम खाओ। जोरुका। बैठ के खा। सुधाकर भैया। हाँ। आप टिकट लाए? वो फाउसुल था। फाउसुल मतलब? वो टिकट बारी पे ऐसा पार्टियां रहता है ना, सब टिकट बिक गई। ओ हाउसफुल। हाँ। जया दीदी आपको तो पता है ना, मेरे लिए जिमनक और अंग्रेजी दोनों एक समान। सुधाकर भैया, झिमकारी के हाथ में जो सेब है वो काला पड़ गया, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। आप टिकट लेने गए थे कि नहीं? हाँ गया था मैं। फिर से झूठ। सुधाकर भैया आप इधर आइए। मैं जा ही रहा था लेकिन जा नहीं सका। जया दीदी आप फिल्म देखने जरूर जाएंगे। फिर से झूठ। सुधाकर भैया अगर आप टिकट लेने गए ही नहीं तो मैं मूवी कैसे देखूंगी? आप फिल्म देखने जरूर जाएंगी? सुधाकर भैया आप कितने झूठ बोल रहे हो, आप तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। आप रुको, मैं बाबा को बताती हूँ। अरे जय दीदी। अरे बाप रे। अब क्या होगा, अब तो काका फंस जाएंगे। काका नहीं तो बोला था मुझे झूठ बोलने के लिए। कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही होगा जया को सिनेमा दिखाने के लिए, क्योंकि वो सिनेमा देखे बगैर चुप नहीं बैठने वाली।
नहीं मानेगी वो, देखना ही जाएगी। मान सकती अंकल जी? अगर हम भाभी को बोले कि मैं ना भूलूंगा फिल्म इस साल की सबसे थकेली पकेली और घटिया फिल्म है, तो मान जाएंगी, क्या बोलते हो? इस साल की नहीं बेटा, 2012 की। हाँ हाँ वही, 2012 की सबसे घटिया थकेली और पकेली फिल्म है। उर्मिला, ये झूठ बोलेगा कौन? तुम्हें तो पता है ना कि झूठ बोलते वक्त मेरी जबान सूख जाती है, मेरे हाथ पैर गर्म हो जाते हैं, पेट नरम हो जाता है और सर जो है वो ठंडा पड़ जाता है। हाँ ये बात तो है। क्या है ना प्रेमचंद जी, आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जय किसी भी बात को मानेगी नहीं। क्यों? वो सिनेमा बुरा है अच्छा है इसके लिए वो नहीं देखती है। उस सिनेमा में वो जो है ना, वो क्या नाम उसका, रंजीत कुमार, उसको देखने के लिए सिनेमा देखती है। सेम टू सेम, सेम टू सेम, मेरे जैसा, एकदम मेरे जैसा। मुझे भी रंजीत कुमार बहुत पसंद था। बाबा? किसने? आप एक मिनट के लिए यहाँ आएंगे? आता हूँ बेटी, मैं आता हूँ। क्या हो गया? क्या बात होगी? पता नहीं कुछ। बाबा ये क्या हो रहा है इस घर में? झूठ से नफरत करने वाले लोग भी झूठ बोलने लगे हैं। और कोई पकड़ा गया क्या? क्या नहीं, मतलब और किसी ने झूठ बोला क्या? हाँ बाबा, सुधाकर भैया ने। क्या, सुधाकर ने? हाँ, मैंने सुधाकर भैया को बोला था कि आप जाके मूवी के टिकट्स ले आओ, लेकिन वो टिकट लेने गए नहीं और ऊपर से कह रहे हैं कि मूवी हाउसफुल है। तो एक काम कर, एक आधा घंटा ऐसे घूम के आ जा, ये ले। गया नहीं और बोला हाउसफुल है? शायद हाउसफुल है इसलिए नहीं गया होगा, तो जाके फायदा क्या इसलिए? लेकिन बाबा अगर वो टिकट लेने गए ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चला कि मूवी हाउसफुल है? पता ही क्या है, पता तो कैसे भी लग सकता है। देखो ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी बात है पता लगाना, और पता लगाने के लिए कोई भी आदमी जा सकता है। पता लगना ये क्या? बाबा लेकिन मुझे पता चल गया ना कि सुधाकर भैया झूठ बोल रहे थे। अच्छा? और वो भी सुधाकर भैया का झूठ ना जिमनिक के सामने पकड़ा गया। अब आप देखना, मैं सुधाकर भैया को बुलाती हूँ यहाँ पे और जिमनिक के सामने ना वो झूठ बोलेंगे और जिमनिक के हाथ में जो सेब है वो काला पड़ जाएगा। सुधाकर को तो मैंने बोला था हाउसफुल बोलने के लिए, झिमकारी आई तो मैं फंस जाऊंगा। क्या सोच रहे हो बाबा? नहीं सोच रहा था मैं, नहीं नहीं अब सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जाओ उसको लेके आओ, मैं ऐसे डांटता हूँ उसको। नहीं नहीं नहीं, क्या है उसके बाइकों के सामने डांटना अच्छा नहीं ना। क्या है अभी सुधाकर को बच्चा नहीं रहा तो अकेले को लेके आओ, हाँ मैं डांटता हूँ। हाँ बाबा, हाँ। मैं उनको बुला के लेके आती हूँ। हाँ। लेकिन अब ना सिर्फ डांटने से काम नहीं चलेगा, इस बार तो सुधाकर भैया ने ना मार खाने वाला काम किया। अरे मैंने बोला था, अभी क्या करूँ? हाँ। आगे आगे प्रेमचंद जी। जी जया सुधाकर को बुलाने गई है और अभी वो झूठ बोला, इसके लिए मुझे उसको पीटना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मैंने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था। ऐसे तो भाई साहब, पहले आपको अपने आप को पीटना पड़ेगा, है ना? ये माँ क्या बोल रही हो आप? बहन जी ये मजाक करने का समय नहीं है। मजाक का वक्त नहीं है? हाँ घड़ी देख के लग रहा है कि चाय नाश्ते का वक्त है। एक काम करते हैं, चाय नाश्ता मंगवाते हैं, है ना? माँ मंगवा नहीं, बना लेते हैं, नाश्ता बना लेते हैं। और माँ यार किसको नाश्ते की पड़ी है? अरे इतनी बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है, सबको उसकी पड़ी और आपको नाश्ते की पड़ी है। अरे खड़ी अड़ी पड़ी, वाह क्या लड़ी लगाई है तुमने। लोखंडे जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आने दीजिए सुधाकर को, हम सब मिलकर मारेंगे। मेरा मतलब है सब मिलकर उसे सुधार लेंगे। हाँ, संभाल लेंगे। आप चिंता ना करें, बस आप चिंता मत करिए। ठीक है ठीक है।
बहुत मारूंगा, बहुत सुधाकर तो मेरे को मौका मिलेगा ना तो मैं भी दो चार फटके मार दूंगी सुधाकर को, प्लीज। क्यों नहीं है ना, बहुत दुपटेंगे उसको। बहुत खून पिया है उसने हमारा। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, ऐसे ही अंदर अंदर। चलिए सुधाकर भैया। जय दीदी, आपकी और मेरी आपस की बात है ना, तो इसमें काका को क्यों बीच में घसीट रहे आप? क्योंकि आपने झूठ बोला। अब चलिए। हाँ, ये तो काका को भी पता है। मेरा मतलब है काका को भी ये पता है कि काका से सख्त तो आप है, ज्यादा सजा तो आप सुनाती है, तो आप ही कोई सजा सुना दीजिए ना, मैं कितनी उठक बैठक करूँ। आप कोई जरूरत नहीं है, अब आप चुपचाप मेरे साथ बाबा से मिलने चलिए। चलिए अब आप जाइए, मैं एक मिनट में पानी पी के आता हूँ, पक्का आऊंगा। सुधाकर भैया, आपने झूठ क्यों बोला? झूठ बोला? जय भैया, जय भैया। सुधाकर जी ने झूठ बोला? मुझे भी बोला, मतलब मुझे भी बताइए ना, सुधाकर जी ने क्या झूठ बोला? लगता है आप झूठ बोलना ना इसी से सीखे हो। And excuse me, मुझे आपको कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं भी इस घर में रहता हूँ इसलिए, और अगर किसी गरीब पे अत्याचार हो रहा हो तो मैं सहन नहीं कर सकता। आप छोड़िए सुधाकर जी को। सुधाकर जी, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप ना झूठ बोलना इसी से सीखे हो। अरे वैसे मैं तो आपके नाम के पीछे भी जी लगाता हूँ, जया जी, तो क्या मैंने आपको बिगाड़ा? देखो, मुझे तुम्हारे मुंह बिल्कुल नहीं लग रहा, और तुम होते कौन हो हमारे बीच में कुछ बोलने वाले? हाँ सुधाकर भैया, आप चलिए। गड़बड़ है, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। चिंता क्यों कर रहे हैं, हम लोग हैं ना, संभाल लेंगे। किसको संभालेंगे? जो हाथ में आएगा उसको। बाबा ले लीजिए। बाबा क्या कर रहे हैं? ये है आपका झूठा नंबर वन। बाप इसे ऐसा सबक सिखाइए ये जिंदगी भर कभी झूठ ना बोले। हाँ मैं तो चिंता मत कर, मैं ऐसा सबक सिखाता हूँ उसे। अरे नाराज कोई बात नहीं सुधाकर, शर्म नहीं आती? आज गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? शर्म नहीं आती है? सच की गलियों में झूठ की धूल उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? अरे ऐसे कोई किसी को मारता है क्या? ऐसे मत मारिए। झूठ की आग में, झूठ की आग में हा? अपनी झूठ की रोटियां पकाता है। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, कितना मारेंगे? एक मिनट अंकल, आप तो यहाँ किराए पे रहते हो, तो आप इस मामले में इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? बेटा मेरे सामने कोई झूठ बोलता है ना तो मैं मेंटल हो जाता हूँ, मेंटल। हम भाड़े पे रहते हैं तो क्या हुआ बेटी? झूठ और झूठ बोलने वाला दोनों से मैं नफरत करता हूँ। हिल मत। ताली। बस पिताजी बस, आइए आप अपनी जगह पे आइए, आइए। अब मेरी बारी। ए झूठ की गठरी, मुझे झूठ बोलने वाले से सख्त एलर्जी है, एलर्जी। और मुझे सिंगदाने से, जब भी मैं सिंगदाना खाती हूँ ना तो मेरे मुंह पे दाने निकल आते हैं, दाने। और मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट जाता है झूठ बोलते से ही। मेरे अंदर का भी ज्वालामुखी फट जाता है। ज्वालामुखी ज्वालामुखी, और हम दोनों माँ बेटी
झूठ बोलने वाले से सख्त नफरत करते हैं। हाँ, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता झूठ की बुनियाद पे टिका है। मतलब हम दोनों माँ बेटी में यही बात खास है कि हम दोनों माँ बेटी झूठ बोलने वाले से नफरत करते हैं। नफरत तो मेरी कोई मावा नहीं है और माँ बनने की कोशिश भी मत करा। और तू भी मेरी कोई बेटी नहीं है, वो तो मजबूरी में मैंने तुझे अपनी बेटी बनाया। झूठ से नफरत नहीं, तुम माँ बेटी सर से पांव तक झूठ ही झूठ हो। और तुम दोनों माँ बेटी भी नहीं हो। अभी ये बात मैं काका को बताता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ काका, ये सब झूठ की एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, जरा आप सब लोग कान बंद कीजिए। हाँ, बंद करो, बंद करो, कान बंद करो। काका कुछ अपशब्द बोलने वाले लगता है। पता है मुझे, अगर इन्होंने झूठ बोलने की एक्टिंग नहीं की ना, तो तू मुझसे सचमुच की मार खाएगा, समझे? अरे लेकिन काका, ये झूठ नहीं, एक और भी बहुत बड़ा झूठ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कान इधर लीजिए। कान के नीचे बजाऊंगा। देखा देखा। बोला बोला बोला। ये झिमकारी के सामने क्यों बोला तुमने? अरे लेकिन झिमकारी उधर खड़ी रहेगी, मुझे थोड़ी पता था। अरे झिमकारी पत्नी किसकी है? मेरी। तो फिर गलती किसकी है? मेरी। फिर नहीं, लेकिन हाथ धोने के लिए किसने भेजा था जंगल में? लेकिन भूख किसको लगी थी? मुझे। फिर गलती किसकी है? मेरी। फिर माफी कौन मांगेगा? मैं। फिर मांग माफी। अरे अरे माफी मांग, माफी मांग उससे। जरा कान नीचे करना, हाथ नीचे करना। जया दीदी, मैंने आपसे इतना सब झूठ बोला, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और मैंने आपको हाउसफुल बोला ना? ए! हाउसफुल मुझे देख के मत बोल, उधर देख के बोल। मैंने हाउसफुल बोला, इसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए। अब क्या फायदा, मेरे सरप्राइज का तो पूरा मजा ही खराब हो गया। अच्छा हो गया। हाँ? यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है बेटी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छे के लिए होता है। अभी जो सिनेमा देखने के लिए इतनी मुश्किलें आ रही हैं, वो सिनेमा देख के भी क्या फायदा है, है ना? हाँ। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या फायदा भाई? बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, मैं तो मूवी देख के रहूंगी। अरे बाप रे। लेकिन बेटी वो क्या बोलते हैं, हाउसफुल होता है ना, वो है फिर क्या बाबा? अभी तो टिकट ही नहीं मिल रही। हाँ, दीपक गया था ना फिल्म देखने के लिए, तब सच में बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया उन्होंने। हाउसफुल। देखा, मैंने कहा था ना, मूवी तो सुपर हिट है। हाँ वो है, लेकिन 2-3 दिन तक वहाँ बहुत भीड़ होगी, 7-8 दिन बाद ही जाना, तभी शायद टिकट मिले। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं तो मूवी देखकर ही रहूंगी। मैं देखती हूँ कि अगले किस शो की टिकट अवेलेबल है। नहीं कुछ फायदा नहीं बेटे, मेरी बेटी इतनी जिद्दी है, सिनेमा देख के ही रहेगी वो। वो तो है। हाँ बताओ ना बेटी, क्या करेंगे? बाबा बात ही नहीं सुनी, चली गई। काका, काका मैं बताऊं क्या करेंगे? ओ काका, जया दीदी का पिक्चर देखना नहीं देखना बाद में देखना, लेकिन अभी पहले एक बहुत बड़ा झूठ दिखाता हूँ, वो देखो। मारूंगा अनेक, गिनूंगा एक, फिर कभी बहुत बड़ा झूठ बताने की कोशिश की ना तो चले जा यहां से। संभालिए अंकल, संभालिए भाई साहब, आराम से। पानी दे। नहीं नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बगरे जला नगजोराओ ओरे ओरा ओरा गिचरंगा। मुझे पड़ी और तू गाय ही है। ओ नक, तेरी वजह से
तेरी वजह से जया दीदी के लिए मैंने छोटा सा झूठ बोला ना, वो पकड़ा गया। लेकिन जिमनक, मेरे उस छोटे से झूठ के लिए मुझे माफी मांगनी पड़ी, और वो दोनों झूठी माँ बेटी की बहुत बड़ी गड़बड़, उसके बारे में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ओ, पर जिंगरू, चिंता तो भूला गया था। ओ, सेबा ना खाओ रा, खाओ रा। अब तो ये सेबा तभी खाऊंगा जब वो झूठी माँ बेटी की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.